तो चलते मैम आपसे आपको कनेक्ट नहीं करता है, आपकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं करता है, या आपको प्रेजेंट कर दिया करा, आप ही कर सकते हैं, तो देख रहे हो कर दो प्लीज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग भी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया, उन सभी प्यारे से लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो सभी को प्यार भरी राधे राधे। और अगर मेरे बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ रहा होगा तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप दूसरी तीसरी वीडियो में आपको बोल देती हूँ कि मेरे घर के आस पास बहुत ज्यादा शोर है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि जो बाहर लोग हैं मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती, उनको क्या ही मतलब है मैं वीडियो बना रही हूँ या मैं कुछ भी करूँ एक्साइटेड अपने घर के अंदर, उनको क्या ही मतलब है। उन्होंने चिल्लानी है तो चिल्लानी है। पिछले आधे पौने घंटे से मैं यहाँ बैठकर बार बार रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, कि मेरी एक वीडियो तो सुंदर सी प्यारी सी निकल जाए, बट नहीं, कभी कोई मिर्ची वाला आ रहा है, कभी कोई कच्छे बेचने आ रहा है, कभी कोई बॉटल बेचने आ रहा है, कभी कोई धनिया बेचने आ रहा है, मतलब आज हो गया मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत देर में। अब मैं जैसी वीडियो बनेगी वैसे डालूंगा, आपको वैसी देखनी पड़ेगी, और देख लेना ठीक है, कोई कुछ नहीं होता, मेरी बात पे ध्यान दो आप, कोई बात नहीं, शोर आ रहा है, हम फिर भी वीडियो बनाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तो आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, आज होने वाली है एक सिट डाउन वीडियो। मैं भूल भी गई, मैंने इतनी अच्छी स्पीच तैयार की थी, इतनी अच्छी वीडियो इससे पहले रिकॉर्ड की थी, बट उसमें ना मिर्ची वाला आ गया था, वो मिर्ची बेच रहा था और पीछे से धनिया अंकल चिल्लाते धनिया ले लो, तो वो डिलीट कर दिया मैंने, क्योंकि वो अच्छा नहीं आ रहा था, वो सुनाई नहीं दे रहा था। अब मैं चिल्ला चिल्ला के ऐसे रिकॉर्ड कर रही ताकि आप तक वॉइस पहुँच जाए। तो आज का वीडियो होने वाला है एक Q&A वीडियो, जिसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस है, 5 to 6 क्वेश्चंस है, जिनका आंसर करने वाली हूँ, क्योंकि वो जो भी न्यू फॉलोवर है या जो लोग मुझे जानते हैं, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस जो होते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरे ब्लॉग में फैमिली वाले क्यों नहीं आते हैं, मेरे घर में बच्चे कौन है, कितने बच्चे हैं, मेरे चैनल का नाम ऐसा क्यों है, इसका क्या मतलब है, आपने अपने नेम से क्यों चैनल बनाया, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितने हरे क्वेश्चंस। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किए हैं और आज मैं उनका आंसर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट Q&A होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कभी अपने चैनल पर कोई वीडियो डाला नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी, नर्वस भी हूँ कि किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो ठीक है, जैसा भी बनेगा वीडियो मैं डाल दूंगी और आप लोग देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, अगर पसंद ना आए फिर भी वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि ये टोटली फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते, तो कर दिया करो। आपका एक लाइक हम मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेरी वीडियो एल्गोरिथम में नहीं आती है, जो वर्ड मुझे बोलना नहीं आता तोड़ तोड़ के मैं बोला है, देख रहे हो कितना कोशिश करी मैं चीजें वो करने की, समझ जाओ आप, कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप नहीं लाइक करोगे तो वो उसमें नहीं आएंगे, एल्गोरिथम में नहीं आएंगे, एल्गोरिथम में नहीं आएंगे तो मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो फिर मैं डिमोटिवेट फील करूंगी, फिर मुझे मजा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, तो फिर आपको करना पड़ेगा, आप कर दो लाइक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर दिया करा, आप ही कर सकते हैं, जो देख रहे हो कर दो प्लीज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, आपका नाम भुग्गा है क्या, आपने भुग्गा, आपका निकनेम है क्या, भुग्गा कैसा नाम है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मेरा नाम पायल कुशवा है, कुशवा नहीं है, कुशवा है। तो मेरा नाम पायल कुशवा है और मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो भी इसी नाम से मैंने बनाई हुई है, बट कई लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते और यहाँ पे फॉलो करते, तो उन सभी को मैं बता दूं कि मेरा नाम पायल कुशवा है। आप मुझे पायल भी बोल सकते हो या आप मुझे कुशवा भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी। अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते तभी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो ठीक है। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो इस Q&A वाले सेशन में मैंने इंक्लूड किया था। नेक्स्ट मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन कि मेरे चैनल का नाम ऐसे क्यों है, बहुत ही वियर्ड नाम है, आपका चैनल का नाम आपसे आपको कनेक्ट नहीं करता है, आपकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं करता है, या आपको प्रेजेंट नहीं करता है, इसको डिलीट करो, कोई और नाम रखो अपने नाम से, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस ना इस नाम को लेकर, इतनी ज़्यादा मेरे पास सकते इस नाम को लेकर ना, मेरे चैनल के नेम को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस मुझसे किए जाते हैं। इवन तो मुझे ये भी बोला जाता है जब स्टार्टिंग में क्या अभी भी कोई होता है कि बहुत वियर्ड नाम है ये पायल बुग्गा ब्लॉक करके, इसको ना डिलीट करके आप अपना कोई अच्छा सा नाम रखो जो सर्च लिस्ट में आए, आपका ये सर्च लिस्ट में नहीं आता है। और बहुत लोगों ने ऐसे
मेरे को बोल बोल के परेशान कर दिया था, इसका नाम चेंज करो, बट मैंने नहीं किया। ऐसे ढीठ बन के मैं बैठी रही, मैं कहा नहीं, इसी नाम से मैं अपना चैनल रन करूंगी और इसी नाम को कंटिन्यू रखूंगी। अभी तक तो कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं इस नाम के साथ ही कंटिन्यू करूँ, मैं इस नाम को चेंज करना नहीं चाहती। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नाम मैंने क्यों रखा है, इसका मतलब क्या है। मेरा नाम, मेरा निकनेम नहीं है, मेरा कोई भी निकनेम ऐसा नहीं है। और जो निकनेम है वो मैंने एक ब्लॉग में बताया, बहुत ही फनी सा निकनेम है, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, लेकिन मेरे घर में उसी नाम से मुझे बुलाया जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये जो नाम है ये मैंने अपने बच्चों के नेम पे, दो बच्चों के नेम को कंबाइन करके रखा है। बच्चे कौन है, जो न्यू व्यूअर है उनको मैं बताना चाहूंगी कि मेरे घर में 6-7 डॉग रहते हैं, जिसमें से कुछ रेस्क्यू किए हुए बच्चे हैं जो घर के अंदर ही रहते हैं परमानेंटली। और ये जो नाम रखा है मैंने, ये रखा है अपने मेरे जो फर्स्ट 2 रेस्क्यू थे ना उनके नेम के ऊपर। मतलब जो फर्स्ट था ये ब्रूसो, जो लॉकडाउन टाइम पे जिस ईयर में लॉकडाउन लगा था ना, उस ईयर में ही मैं इसको मेरे घर के बाहर कोई छोड़ के गया था, वहां से लिया था। इसकी स्टोरी मैंने ऑलरेडी बनाई है, अगर आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हो। इसका नाम ब्रूसो है और ये है गट्टू, जिसको हम जहाँ वेडनेसडे वाला मार्केट वाला, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा ना, इसको मैं वहां से लेकर आई थी, उस वाले एरिया से रेस्क्यू करके। तो ये दो मेरे फर्स्ट रेस्क्यू है जिसमें से मैंने ब्रूसो में से बी ए लिया है और गट्टू में से जी ए लिया है, तो ये बन जाता है बुग्गा ब्लॉग। तो इस करके इन दोनों की नेम को कंबाइन किया और ये बन गया बुग्गा ब्लॉग। ब्लॉग मैंने लास्ट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैं ब्लॉग ही डालती थी पहले स्टार्टिंग में इस वाले चैनल पे, फिर मैंने बीच में डीआईवाई वगैरह और कुछ क्रिएटिव चीजें भी डालना स्टार्ट की, तो इस करके मैंने ब्लॉग लगा दिया था क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल और अपने बच्चों की लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करना चाहती थी इस करके। तो ये है मीनिंग मेरे चैनल का जो नाम है उसका, या मैंने चैनल का नाम क्यों बनाया, क्योंकि इन दोनों के साथ मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ और मैं चाहती हूँ ये किसी न किसी तरीके से हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि होता है ना मेमोरीज, बोला जाता है मेमोरीज टाइम के साथ में ब्लर हो जाती है, बट इनके साथ जो मेमोरीज हैं, इनके जो नाम है या इनके साथ जो कनेक्टिविटी है, मैं उसको कभी ब्लर नहीं करना चाहती। इस करके मैंने ऐसा कुछ क्रिएट किया जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और जब तक मैं वीडियोस डालती रहूंगी, या मैं वीडियोस नहीं भी डाल रही हूँ, चैनल तो हमेशा ही क्रिएट बना ही रहेगा। तो इस करके मैंने इस थॉट प्रोसेस के साथ में मैंने ये नेम क्रिएट किया था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मेरे जो फर्स्ट रेस्क्यू है, मेरे जो बच्चे है, वो किसी न किसी तरीके से मेरे साथ हमेशा रहेंगे। क्योंकि लाइफ का देखो कुछ नहीं पता होता है, मैं कब तक उनके साथ हूँ या वो मेरे साथ कब तक है, किसी का कुछ नहीं पता होता, हम आज हैं कल नहीं है। बट कुछ चीजें होती है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी और ये चैनल हमेशा सोशल मीडिया पर रहेगा मेरे बच्चों के नेम से। तो इस करके मैंने ये सोच कर ये नाम रखा था। और ऐसा नहीं है कि और बच्चे को मैं प्यार नहीं करती और बच्चों से मेरा कनेक्टिविटी कम है, बट ये होता है कि आपको जो फर्स्ट चीज होती है ना आपकी लाइफ में, चाहे वो फर्स्ट स्कूल हो, फर्स्ट फ्रेंड हो, फर्स्ट आपका फोन हो, फर्स्ट कोई भी चीज ना, आप उसके ऊपर बहुत कनेक्ट कर पाते हो, आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो उन लोगों के साथ में। तो ऐसा ही कुछ है, 0.1% इन दोनों के साथ मेरी कनेक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है बोल सकते हो। मैं इनको लेकर दोनों के लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही शरीफ और बहुत ही किसी प्यारे से डिसिप्लिन वाले बच्चे नहीं होती, उस तरीके के बच्चे हैं। इनको जहाँ बोल दो बैठने के लिए वहां बैठ जाएंगे, जो खाने के लिए दे दोगे वो खा लेंगे, मतलब जहाँ सोने के लिए गर्मी में, एसी में, कूलर में, छत पे, धूप में, कहीं पे भी इनको रख दे, ये हमेशा खुश रहते हैं इनके आसपास। हमारी फैमिली में से कोई ना कोई होना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ये बाहर भी जाते तो हमारे साथ ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते। तो बहुत ही इनोसेंट से बच्चे होते हैं उस तरीके के बच्चे, इस करके इनके साथ का थोड़ा सा ज्यादा मुझे केयरफुल रहना पड़ता है, इनके साथ ज्यादा कंसर्न रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और बच्चे वो तो उद्दंडी बच्चे, उनको तो बाहर छोड़ दो चले जाते हैं घूम घाम के, अपना लड़ाई झगड़ा करके वापस आ जाते हैं, बट ये दोनों थोड़ा सा ज्यादा शरीफ है, इसके लिए इनको ना थोड़ा सा ज्यादा केयर के साथ में रखना पड़ता है। तो ये था मेरे सेकंड क्वेश्चन कि मेरे चैनल का नाम ऐसा क्यों है। अब मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरे चैनल का नाम ऐसा क्यों है, मेरे बच्चों के नेम को कंबाइन करके अपने चैनल को क्रिएट किया था और इस करके चैनल का नेम है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, आप क्यों नहीं दिखाते हो फैमिली वालों को, आप हमेशा अपने आप को दिखाते हो, कभी कभी आपकी मम्मी आती है। तो सभी लोग कैमरे के साथ ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, सभी के पास ऐसा टाइम नहीं होता जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ और वो उस टाइम पे प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, क्योंकि सारी चीजें तो नहीं दिखा सकते थे, कुछ चीजें होती हैं जिनको हाइड करके रखना पड़ता है, आप सारी सच्चाई तो नहीं बता सकते, सारी सच्चाई बताओ मेरी मम्मी ने निकाल देना मेरे को घर से कि सारी चीजें दिखा दी तूने घर की। तो इस करके ये होता है कि
जब वो कंफर्टेबल फील करते हैं या वो उनको आना होता है व्लॉग में तो आ जाते हैं। जितने भी फेस्टिवल वाले व्लॉग होंगे या जो संडे वाले व्लॉग होते हैं मैं बनाती हूँ, उनमें पापा भी आपने देखे होंगे, दीदी को भी कई बार देखा होगा, भाई को आपने नहीं देखा होगा। भाई मेरा आई गेस दिवाली वाला जो व्लॉग है ना उसमें आया है, सिर्फ दिवाली वाले व्लॉग में आप देख सकते हो। वो पूजा वगैरह जो होती है ना उस टाइम पे मैंने जो व्लॉग बनाया था उस टाइम पे वो आया था, मतलब पूजा कर रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ कौन कौन बैठे हुए, सारे लोग मिलकर पूजा कर रहे थे। तो सभी लोग आप उसमें देख सकते हो दिवाली वाला व्लॉग, इस साल का जो मतलब लास्ट ईयर का जो दिवाली वाला व्लॉग है उसमें आप सभी को देख लोगे। तो मेरी फैमिली में मम्मी पापा भैया दीदी और मैं हूँ, और मेरे साथ हैं बहुत सारे कई ऐसे बच्चे जिनको जिनके बिना हमारी फैमिली इनकम्प्लीट है। बच्चों के बिना तो घर में 7 बच्चे हैं जो घर के अंदर रहते हैं, तो वो भी हमारी फैमिली में इंक्लूडेड होते हैं। और हम जब भी हम किसी को बताते हैं कि हमारी फैमिली में कौन कौन है तो हम उनको इंक्लूड जरूर करते हैं। और पहले ही मेरे साथ मतलब हमारे घर में आपने स्टार्टिंग के व्लॉग में देखा होगा कि मेरे साथ हमारे घर में एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं छोटा एक और बॉय रहता था, वो मेरा कजन ब्रदर था राम, जिसका नाम रामजा था। वो अभी हमारे साथ नहीं रहता है क्योंकि वो गांव में शिफ्ट हो गया उसकी स्टडी के लिए, और पहले वो यहीं पे स्टडी करता था, बट यहाँ पे स्टडी में कुछ इशू आया था जिसकी वजह से वो गांव में वो मेरे होम टाउन में शिफ्ट हो गया है, और वहाँ ही पे वो स्टडी करता, वो आता जाता रहता है। कभी आएगा दिल्ली तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। वो अभी नहीं रहता है, तो मैंने हमारी फैमिली में इतने लोग रहते थे पहले, बट अभी राम जी नहीं रहते, अभी मम्मी पापा दीदी भैया मैं और मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। तो ये है मेरी फैमिली, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फैमिली है। तो ये लोग हैं मेरी फैमिली के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बाय प्रोफेशन क्या करती हूँ, मैंने किस चीज़ की पढ़ाई की हुई है, या फिर मेरी स्टडी में क्या चल रहा है, मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ एंड ऑल समथिंग। तो अभी मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं पहले एज अ टीचर वर्किंग हुआ करती थी लॉकडाउन टाइम पे, सेकेंड लॉकडाउन तक मैं वर्किंग थी एज अ टीचर। मैं स्कूल का नाम नहीं बता सकती क्योंकि वो शायद बताना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। कई बार आपने स्कूल देखा है तो आप ग्रुप ब्लॉग में अगर आपको पहचान में आ जाए कि कौन सा स्कूल है, बट मैं यहाँ नाम नहीं बता सकती अपने स्कूल का। तो मैं वहाँ वर्किंग हुआ करती थी एज अ स्पोर्ट्स टीचर, और बहुत अच्छी पोस्ट पे वर्किंग थी मैं वहाँ पर। बट जो कोविड टाइम पे सबकी जॉब गई थी तो उस टाइम पे मेरी भी जॉब चली गई थी। अब मेरे स्कूल में भी काफ़ी सारे टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया गया था विदाउट एनी रीज़न, तो उसमें मैं भी एक थी। उसके बाद में मैंने अभी अप्लाई किए हैं बहुत सारी जगह, बट मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँगी किसी भी स्कूल में, और एज अ स्पोर्ट्स टीचर ही मैं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स टीचर प्लस रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है मैंने वही की है। और मेरे स्पेशलाइजेशन जो गेम है वो योग है, मतलब योगा, और मैं उसकी कोचिंग अभी भी देती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह कोचिंग देती हूँ। तो ये है मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड कि मैंने क्या किया हुआ है स्टडी में, और अभी मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती हूँ, लाइक इंस्टाग्राम हो गया और यूट्यूब और फेसबुक, यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि बस मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। और अभी सोशल मीडिया बहुत पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग प्रोफेशन बन गया है लोगों के लिए, तो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाऊँ, और फिंगर्स क्रॉस मुझे इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर और कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगी। तो बस अभी मैं ये कर रही हूँ। बाकी मेरे और सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप फॉलो करना चाहें, आपको मैं कहीं ना कहीं अच्छी लगूँ तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मेरा वर्क प्लेस कहाँ है, मेरा होम टाउन कहाँ है। तो मैं बिलोंग करती हूँ उत्तर प्रदेश यानी यूपी से, और यूपी में मेरा होम टाउन है, मतलब मेरे दादा दादी जी वहीं पे रहते हैं, वहीं पे हमारा जो पुश्तैनी घर होता है वो वहीं पे है। और आपने सुना होगा अगर आप यूपी से हो तो फफूंद एक स्टेशन है, वहाँ पर अगर हम ट्रेन से ट्रेवल करके जाते तो वहाँ उतर कर मतलब वहाँ से ऑटो लेके फिर हमको अपने गाँव के लिए जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, बट मैं वहाँ 2005 में गई थी, उसके बाद आई गेस मैं वहाँ गई नहीं हूँ। मम्मी पापा दीदी भाई जाते होते हैं बट मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि बस मैं नहीं जाती, कोई रीज़न नहीं है बड़ा, बट ऐसे ही नहीं जाती क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती वहाँ जा करके, और ऐसा मौका भी नहीं आया कि मुझे वहाँ जाने के लिए मिले, क्योंकि मम्मी घर में एक जने को रहना पड़ता है। जब भी हम गाँव जाते हैं ना, सारी फैमिली गाँव जाती है, तो घर में पीछे बच्चों के साथ में किसी ना किसी को स्टे करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, खाना पीना सब कुछ देखना होता है घर के बच्चों के साथ में, बाहर के जो बच्चे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली हुई है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, वो खाना खाने के लिए हमारे घर ही आते हैं, तो फिर उन लोगों का भी देखना पड़ता है। इस करके मैं गांव नहीं गई हूँ। और मेरा बर्थ प्लेस है दिल्ली, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई थी, और दिल्ली में ही जब से पैदा हुए हम यहीं पर ही हैं, हम कहीं नहीं गए, तो मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली है। तो ये था मेरा आज का फर्स्ट क्यू एंड ए वीडियो, जो आई
आई गेस आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो आपको पता क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, इसको अंत करते हैं, और आपको एक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने आसपास घर के आसपास जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय।